वेन यू से पेन इट इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ सर्टन ब्लॉक और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी पेन ना दो दो वजह से हो सकता स्ट्रक्चर का गड़बड़ी है जिसकी वजह से इन्फ्लमेशन है तो पेन होगी और देर इज समिंग विच इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड कोई चीज रुक रही है आगे नहीं जा पा रही तो पेन होगा पेन इज बेसिकली ब्लॉक एंड अ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आएगी है ना देर इज वन मोर रीजन फॉर पेन विच इज इनेशन बट इट कैन हैपन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो ये दो चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा ब्लॉक को आपको निकालना पड़ेगा ब्लॉक को कैसे निकालेंगे आपके जूस के स्ट्रॉ में पल्प फंस गया पल्ब गॉड स्टक इन द्रू विच यू आर ड्रिंकिंग सम यू आर टेकिंग सम जूस क्या करोगे कैसे निकालोगे यू क्रिएट अ लिटिल प्रेशर थोड़ा फूक मारेंगे प्रेशर क्रिएट करेंगे निकल जाएगा बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ब्लॉक निकल जाएंगे वॉट इज अ मेथड टू क्रिएट प्रेशर इन दॉडी हाउ कैन यू क्रिएट प्रेशर बाय ब्रथ होल्ड बाय कुंभ कैन यू डू इट इन एनी अदर मैनर every other manner will not be this effective this is the core of every other manner actually even if you do exercise even if you do any kind of a walking jogging yoga zumba what is the fundamental thing which helps you it is basically breath hold so if you do it consciously in the right manner that will give you better results faster result isn't it so कैसे हटाएंगे कुंभक से थिंग अलाइनमेंट द मॉड्यूल इज डिजाइन टू करेक्ट थ्री बेसिक अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी ये मॉड्यूल के अंदर तीन बेसिक अलाइनमेंट आपको सिखाया ही जाएगा नाभि कौड़ी नले नेवल अलाइनमेंट अलाइनमेंट ऑफ द मिडल ऑफ चेस्ट अलाइनमेंट ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर स्केलेटल सिस्टम तीन अलाइनमेंट है नाभि कौड़ी नले ये दिस इज इनबिल्ट इन द प्रोग्राम तो अलाइनिंग योर बॉडी